अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप समय में हजरात को इज्जत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अगर कबूल कर लिया है तो सलवात इरशाद फरमा दे हजरात। मतलब देखिएगा कि रहते हैं हम अजल ही से इनकी अमान में, रहते हैं हम अजल ही से इनकी अमान में, खालिक सिफात बैठे हैं जो दरमियान में, रहते हैं हम अजल ही से इनकी अमान में, खालिक सिफात बैठे हैं जो दरमियान में। और उसने मतलब भी देखे कि कैसे पढूं कसीदा मैं मौला की शान में, कैसे पढूं कसीदा मैं मौला की शान में, देता है जेब बस ये खुदा की जबान में, देता है जेब बस ये खुदा की जबान में, और दामन जो इनका थामा तो महशर तक आ गए, दामन जो इनका थामा तो महशर तक आ गए, वरना कहाँ थी इतनी सकत ना तवान में, वरना कहाँ थी इतनी सकत ना तवान में। और हर हाल शाहे बतहा का वाजिब है एहतराम, हर हाल शाहे बतहा का वाजिब है एहतराम, कोई नहीं है इनसे बड़ा इस जहान में, कोई नहीं है इनसे बड़ा इस जहान में। और फिर देखे के आले नबी से प्यार मुरव्वत उदू से भी, आले नबी से प्यार मुरव्वत उदू से भी, शमशीर रहना पाएगी दो एक म्यान में, शमशीर रहना पाएगी दो एक म्यान में, शमशीर रहना पाएगी दो एक म्यान में। और हर लफ्ज ना मुराद थे मुर्दा जमीर थे, हर लफ्ज ना मुराद थे मुर्दा जमीर थे, जिक्र अली से इनके भी जान आई जान में, जिक्र अली से हर लफ्ज ना मुराद थे मुर्दा जमीर थे, हर लफ्ज ना मुराद थे मुर्दा जमीर थे, जिक्र अली से इनके भी जान आई जान में, जिक्र अली से इनके भी जान आई जान में। और जब जिक्र अहले बैत से तर है मेरी जबान, जब जिक्र अहले बैत से तर है मेरी जबान, लग जाए चार चांद न क्यों कर बयान में, लग जाए चार चांद न क्यों कर बयान में। और मतलब भी समाज फरमा ले कि अशार पढ़ना ऐसा है पेशे असातिज़ा, अशार पढ़ना ऐसा है पेशे असातिज़ा, अफरोज जैसे बैठा हूँ मैं इम्तिहान में, अफरोज जैसे बैठा हूँ मैं इम्तिहान में। पर मोहम्मद